पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सागौर थाना क्षेत्र में विगत दिनों लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन सिंह बघेल ने बताया कि देव भगवान उर्फ भाव पिता एकनाथ, जो कि पूर्व में लूट के अपराधों में जेल में सजा काट रहा है, अपने साथी सुनील उर्फ जितेंद्र ग्राम कुवरसी धार का अजय लालू एवं धर्मेंद्र निवासी कला तिरला का ठाकुर के ढाबे आड़ी बाट रोड पर बैठे हैं एवं आपस में माल बंटवारे एवं माल को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा व पूछताछ करने पर सभी के द्वारा दिनांक 8/4/2023 को रात्रि में मांडव रोड पर एकत्रित हुए, जहां सुनील उर्फ जितेंद्र ने बताया कि कुवरसी ग्राम में जायसवाल किराने वाला रहता है, उसका 3 मंजिला मकान बना हुआ है, उसके यहाँ लूट करना है। जेल में बंद रहने के दौरान धर्मेंद्र जितेंद्र व अजय से दोस्ती होने से इस घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपियों के पूर्व में जिला धार थाना क्षेत्र अंतर्गत कई अपराध पंजीबद्ध है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जो लूट का खुलासा है, कैसे क्या है? दिनांक 9/4/2023 को ग्राम कुवरसी के नवीन जायसवाल के घर 4 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 5 लाख का मसूका लूट कर ले गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने इसमें एक विशेष SIT की गठन किया था, जिसमें सब डिवीजन के राजेंद्र सिंह भदौरिया और सब इंस्पेक्टर योगेंद्र जादौन और प्रधान आरक्षक, 5-4 प्रधान आरक्षक, 3 आरक्षक, कुल 9 आदमियों की टीम गठित की गई थी। पुलिस को मुखबिर और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन से सूचना मिली थी। इसमें एक 31 मार्च को जेल से रिहा हुआ है भगवान सिंह, उसने टीम बनाकर इसमें बात आती थी। जब भगवान सिंह का पता साझी की गई, इसमें एक विशेष टीम भगवान सिंह को नासिक के देवलाली भेजी गई और देवलाली से पकड़ के लाई। जब उससे पूछताछ किया तो इसमें 3 नाम और आए, जिसमें सुनील, धर्मेंद्र और अजय, ये नाम आए। अभी तक भगवान सिंह, सुनील और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है और धर्मेंद्र फरार है, जिसकी पतासाजी के लिए विशेष टीम काम कर रही है। यह पूरा मसूका, 3 लाख का मसूका अभी तक बरामद कर लिया गया है और 2 लाख का मसूका अभी फरार आरोपी के पास है, जो शीघ्र बरामद कर लिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि कुवरसी गांव के बीच में इस घटना से सनसनी फैल गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया था और इस वारदात को खोलने में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया और उनकी टीम ने विशेष योगदान दिया। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने विशेष रूप से, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने इसमें विशेष रूप से 10,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।